और चले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, जो अंबाला से आ रही है, जहां पर अनाज मंडी में आग लग गई है। आपको बता दें कि आग से भारी नुकसान हुआ है, आग बुझाने की फिलहाल कोशिशें जारी है। बड़ी खबर इस वक्त अंबाला से आते हुए, अनाज मंडी में आग लगी है, शेड में रखा हुआ बारदाना पूरी तरीके से खाक हो चुका है। हालांकि फिलहाल आग बुझाने की कोशिशें जारी है, लेकिन फिर भी आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत की जा रही है। अंबाला से खबर आ रही है, आगजनी की घटनाएं इस वक्त रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। उसी कड़ी में एक और खबर शामिल होती हुई तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं कितना भारी नुकसान हुआ है। इसी शेड के नीचे बारदाना रखा हुआ था, जिसके बाद यहां पर मंडी में भीषण आग लगी और आग लगने के बाद काफी ज्यादा नुकसान का सामना यहां पर करना पड़ा है। कड़ी मशक्कत की गई आग को बुझाने के लिए, फिलहाल कोशिशें अभी भी जारी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना भारी मात्रा में यहां पर नुकसान हुआ है। हालांकि पूरी तरीके से यहां पर कोशिशें जारी हैं, लेकिन फिर भी कड़ी मशक्कत का यहां पर सामना करना पड़ा है। और तमाम जानकारियों के साथ हमसे जुड़ चुके हैं कृष्ण बाली। कृष्ण बाली, आग लगने का कारण क्या है यहां पर? कारण तो पूरे तरीके से नहीं पता लग पाए, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे बारिश हो रही थी और बारिश में इस तरह से आग लगी है, तो इसमें ज्यादातर जो मामले सामने आते हैं शॉर्ट सर्किट के ही सामने आते हैं। मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर भी यही मामला सामने आएगा, लेकिन अभी तक किसी ने इसको क्लियर नहीं किया कि आग किस कारण से लगी थी। लेकिन आग से भारी नुकसान जरूर हुआ है, अंदर कुछ फसल भी पड़ी होती मक्के की, उसको भी आग लगी है सारी। एक आरती का किसी का ट्रक आया हुआ था जो सामान लेने के लिए आया था, वो भी बारिश के कारण शेड के नीचे खड़ा होता, उसने भी आग लगी है। और जेसीबी मशीनों के द्वारा जो बारदाना पड़ा हुआ था करोड़ों रुपए का, उसको भी निकालने की कोशिश की गई है, उसको भी काफी हद तक आग लगी है। और यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आग इतनी भयंकर थी कि आसपास जितने भी जिले हैं, जैसे कुरुक्षेत्र जिला हो गया, और आसपास के जितने जिलों की गाड़ियों को आना पड़ा, और एक एक गाड़ी ने लगभग पांच पांच छह छह फेरे लगा के, कह सकते हैं कि लगभग 25 से 30 जो गाड़ियां थी मौके के ऊपर आग बुझाने के अंदर इसको जुटी हुई थी। फिलहाल आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों से मैं रूबरू करवाने के लिए कृष्ण बाली।